सभियों को दूर भगाने का रामबाण इलाज जानते हैं क्या है? एक प्याला गर्मा गर्म सूप। सर्दियां आते ही सूप पीने का जो मजा आता है ना, आहा, कहने ही क्या। हाँ भाई, डिलिशियस भी होते हैं और साथ ही साथ में हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए आज हम सबके फेवरेट वो देसी स्टाइल के चाइनीज सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और वंस अगेन, एक नहीं दो नहीं पूरे तीन, तो आपके तीन फेवरेट इंडो चाइनीज सूप की रेसिपी हाजिर है आपके लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो आज के तीन हमारे देसी चाइनीज सूप कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताती हूँ आपको। तो एक तो हम बनाएंगे आप सबका फेवरेट मानचाओ सूप, और दूसरा बनाएंगे एक और डॉग फेवरेट हॉट एंड सार सूप, और तीसरा स्वीट कॉर्न सूप। मानचाओ सूप और हॉट एंड सार सूप के टेस्ट के अलावा इनकी जो वेजिटेबल की कटिंग होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। तो चलिए वो भी सिखाती हूँ और साथ में सूप भी बनाते हैं। तो पहले तैयारी कर लेते हैं हम अपने हॉट एंड सार सूप की। तो ढेर सारी वेजिटेबल्स हमको कट करनी होती हैं, लेकिन एक बार अगर आप अपनी वेजिटेबल्स को कट करके रख लेंगे ना, तो लाइफ विल बिकम इजियर फॉर यू। तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ बीन्स। अब इन बीन्स को मैं डायगोनली ऐसे कट करूंगी लाइक दिस। कैरेट्स को मैं गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लूंगी, पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस। ऐसे ही ये बटन मशरूम्स हैं, ये बड़े साइज का मैंने बटन मशरूम ले लिया है, जिसे मैं पहले हाफ कर ले रही हूं, इसके बाद स्लाइस कर ले रही हूं। अब एक अनियन को भी मैं फाइन स्लाइस कर लेती हूं। कैबेज, जिसे मैं श्रेड नहीं करूंगी बल्कि ट्रायंगल्स में कट कर लूंगी। इसी के साथ साथ कैप्सिकम को भी, थोड़े स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे हुए हैं। तो ये हो गए मेरे सारे वेजिटेबल्स फॉर माय हॉट एंड सार सूप। तो चलिए बनाते हैं अपना हॉट एंड सार सूप। पहला काम, छोड़ दीजिए इस पैन को ऐसे ही गर्म हो जाने के लिए, इसे खूब तप जाने देंगे, क्योंकि वो जो चाइनीज भट्टी की जो तेज आंच होती है ना, वो हमारे घर के गैस स्टोव पे कहाँ मिलेगी। तो इसलिए अपने पैन को ही पहले हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें सारे वेजिटेबल्स, ताकि हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रिस्प बने रहें, एकदम सॉगी ना हो जाएं। दूसरी सलाह ये है कि इसके लिए एक बड़ा पैन लीजिएगा, छोटी सी कटोरे में या कढ़ाई में ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि इसकी हीट जो है पूरे पैन में फैली रहे, वेजिटेबल्स को फैलने की जगह मिले और ये स्टीम में ना पके। तो पहले पैन छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर, और मेरे पास है कुछ बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। तो देखिए, जब पैन ऐसा धुएंदार हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी केवल एक चम्मच तेल। इस एक चम्मच तेल को भी फैला लेते हैं अपने पैन पर, और अब इमीडिएटली ऐड करूंगी इसमें फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, फाइन चॉप किया हुआ जिंजर और फाइन चॉप करी हुई हरी मिर्च भी। आप इन्हें जल्दी से सौते कर लीजिए, आप देखेंगे कि 10 सेकंड के अंदर ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और जैसे ही ये हो जाएंगे गोल्डन, ऐड करूंगी मैं इसमें अपने वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले तो ऐड करूंगी इसमें अनियंस, इन्हें भी टॉस कर लेते हैं। अब बाकी सारी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को दीजिए एक क्विक टॉस तेज आंच पे, गर्म पैन पे, ताकि ये टेंडर क्रिस्प रहे, एकदम से स्टीम में ना पके, जैसे मैंने कहा अपनी शेप को रिटेन करें। तो हॉट एंड सार यानी कि तीखा भी और खट्टा भी। तो तीखा बनाएगा इसमें चिली पेस्ट के साथ, हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, और अब ऐड कर रही हूँ इसमें ये रेड चिली पेस्ट, और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी, थोड़ी सी चीनी मिर्च के एहसास को और बढ़ाने के लिए। वेजिटेबल्स को कर लीजिए टॉस, और अब अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है तो स्टॉक का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो पानी ऐड कर देंगे हम इसमें, एंड वी विल गेट दिस टू अ क्विक बॉयल ऑन हाई हीट। और अब ऐड करते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर भी, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है तो पेपर पाउडर थोड़ा कम। एक बोल में मैं ले रही हूँ एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप वाटर,
मेक अ कॉर्न स्लरी, ऐड कर देंगे स्लरी को अपने सूप में और इसे जल्दी से थिकन कर लेंगे। वंस द सूप थिकन्स, इसमें ऐड करूंगी मैं विनेगर। अब हॉट एंड सार सूप में हीट के लिए चिली पेस्ट तो ऐड कर दिया, खट्टास लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर, यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम एडिंग अबाउट 1.5 टेबलस्पून। और लीजिए, हो गया तैयार हमारा हॉट एंड सार सूप। तीखा भी है आहा, और खट्टा भी है। गार्निश करूंगी इसे मैं फाइनली थोड़े से चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस के साथ और सर्व कर लेंगे। इसे सर्व करने से पहले दूसरा सूप भी बना लिया जाए, तो चलिए अब मानचाओ सूप बनाने की तैयारी कर ली जाए। और उसके लिए इन बीन्स को मुझे बहुत फाइन चॉप करना है। मुश्किल लगता है? चलिए इसका एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। यूजुअली होता क्या है, जब बीन्स को हम चॉप करने जाते हैं तो ये फिसलती जाती है और डर इस बात का लगता है कहीं हमारा हाथ ना कट जाए। सो टू प्रिवेंट दैट क्या करेंगे, दो रबर बैंड्स लेंगे और आगे और ये ऐसे पीछे, दोनों तरफ आप इस पे रबर बैंड्स लगा दीजिए। सो व्हेन यू चॉप दिस नाउ बीन्स स्लिप नहीं होंगे, देखिए ऐसे। और जैसे ही आप वहां पहुंचे जहां रबर बैंड लगा हुआ है, इसे और पीछे खिसका देते हैं और वंस अगेन, तो ऐसे कट कर ली हमने अपनी बीन्स। अब गाजर काटने की बारी। अब आप चाहें तो गाजर को ग्रेटर के मोटे वाले आई से ग्रेट भी कर सकते हैं। मेरी तो काटना कैसे है वो भी मैं दिखाती हूँ। पहले तो अपने गाजर को आप बीच में से हाफ कर लीजिए और इसको पलट के ऐसे रखेंगे हम ताकि ये स्लिप नहीं हो। पीछे तक इसे नहीं काटेंगे हम, पहले इसमें ऐसे कट्स लगा लेते हैं ताकि ये जुड़ा रहे, सो दैट व्हेन यू कट इट आउट ना ये स्लिप नहीं होगा। ऐसे ही इस स्प्रिंग अनियन को भी हम रबर बैंड की सहायता से कट कर सकते हैं, विच विल मेक इट वेरी इजी फॉर मी टू कट दिस आउट। स्प्रिंग अनियंस, गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स, सब मैंने फाइन चॉप कर लिए हैं अपने मानचाओ सूप के लिए। तो सूप बनाना शुरू करते हैं और वंस अगेन एक बड़े से पैन को मैं चढ़ा दूंगी गैस पर और इसे खूब गर्म हो जाने दूंगी। पैन जब हो जाएगा अच्छे से गर्म, थोड़ा सा लेंगे हम ऑयल, क्योंकि ऑयल की ज्यादा जरूरत नहीं है। और ऑयल जैसे हो जाएगा गर्म, ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ जिंजर, फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, गिव देम अ क्विक टॉस। तो जब ये चिलीज, जिंजर और गार्लिक हो जाएगा फ्रेग्रेंट, इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे बिगिनिंग विद बीन्स, ऐसे के साथ गाजर, कैबेज, अ क्विक टॉस, मशरूम्स, आप चाहें तो इसमें बीन स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस, अब बेटो ग्रीन चिली पेस्ट, आप चाहें तो रेड चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चुटकी चीनी, पानी, इसे एक क्विक बॉयल पे ले आते हैं, वंस अगेन थोड़ा कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी अपने सूप को थिक करने के लिए, इसे डिसॉल्व कीजिए। इसे कहते हैं हम कॉर्न स्लरी। और अब ये कॉर्न स्लरी यहाँ इस बॉइलिंग सूप में मैं ऐड कर देती हूँ और इमीडिएटली आप इसे स्टर कर दीजिए एंड लेट्स क्विकली गेट दिस टू अ बॉयल वंस अगेन। ऐड करेंगे इसमें विनेगर टू योर टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, कीपिंग इन माइंड कि जो हम सोया सॉस डालते हैं ना उसमें काफ़ी तीखा नमक होता है, काली मिर्च का पाउडर एंड दैट इज इट, सूप हो गया रेडी। तो देखा आपने, सारी मेहनत है केवल वेजिटेबल्स को कट करने में। वैसे अगर आप एक छोटा सा चॉपर खरीद लेना, ये काम भी बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो जाता है। सूप तो भाई रेडी हो गया, अब मानचाओ सूप सर्व किया जाता है फ्राइड नूडल्स के साथ। तो चलिए थोड़े से बॉइल्ड नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइड नूडल्स के लिए पहले मुझे नूडल्स को बॉइल कर लेना पड़ेगा और अब इन बॉइल्ड नूडल्स में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर के साथ इन नूडल्स को मैं डस्ट कर लूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, आपके जो नूडल्स फ्राई होंगे ना वो बहुत क्रिस्प हो जाएंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में इनको हम फ्राई करने डाल देंगे। नूडल्स को क्रिस्प हो जाने देते, फ्राइड नूडल्स रेडी। तो तीसरा सूप हम बनाने जा रहे हैं, सबका फेवरेट स्वीट कॉर्न सूप। अच्छा, स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए ना हमें एक स्वीट कॉर्न का टिन चाहिए होता है। होता क्या है कि मक्के के दानों को पानी के साथ घंटों पकाया जाता है
जब तक कि वो अपना स्टार्च रिलीज ना कर दें। तो इतना समय है? नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसका एक क्विक फिक्स निकाल लेते हैं। ले रही हूं यहां पर मैं ये स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टा, ये फ्रोजन कॉर्न का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, और इनमें से आधे कॉर्न कर्नल्स को मैं पहले मिक्सी में थोड़ा सा चला लूंगी और इनको हल्का सा क्रश कर दूंगी। क्रश करने से क्या होगा, ये अपना स्टार्च जल्दी रिलीज कर देंगे और मेरे सूप में जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए, ये कॉर्न को मैंने क्रश कर लिया है बिना पानी के। अब अपने पैन में निकाल लूंगी मैं ये कॉर्न, और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं पानी, तकरीबन 2 कप पानी। पहले तो मैं इसे एक बॉयल पे ले आऊंगी, फिर इसकी हीट को रिड्यूस कर दूंगी और धीमी धीमी आंच पे इसे पकने दूंगी कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये अपना स्टार्च रिलीज नहीं कर देता पानी के अंदर। इसी के साथ साथ कुछ साबुत ये जो स्वीट कॉर्न के कर्नल्स हैं ये भी डाल दूंगी, और अब इसे पकने देते हैं। इसे ढक के थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि जल्दी से ये जेलेटिनाइज हो जाए। 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर आने वाली झाग काफी कम हो चुकी है। आप चाहें तो ये स्कम जो है, ये झाग, इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसमें ऐड करते हैं हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसी के साथ थोड़ा सा पेपर पाउडर। स्वीट कॉर्न सूप की स्वीटनेस को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच चीनी भी, और इसे थिकन करने के लिए थोड़ी सी कॉर्न स्लरी। तो 1/2 छोटा चम्मच लेंगे कॉर्न फ्लावर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसे मिक्स करके हम ऐड कर देंगे अपने सूप में। तो सूप को थोड़ा सा थिक हो जाने देते हैं। स्वीट कॉर्न सूप का सबसे प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है भुट्टे यानी कि मक्के की मिठास, इसीलिए इसमें कोई चिली पेस्ट नहीं ऐड किया जाता है। इसके साथ अलग से चिली विनेगर सर्व किया जाता है, ताकि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चिली विनेगर ऐड कर दीजिए। इसमें सोया सॉस भी नहीं ऐड की जाती, वो भी एज अ कॉन्डिमेंट साथ में सर्व की जाती है। अगर आप चाहें अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें मिला सकते हैं सोया सॉस भी, लेकिन हाँ कुछ वेजिटेबल्स इसमें जरूर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत थोड़ा सा मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ और बहुत थोड़े से बीन्स भी। जस्ट टू गिव इट अ कलर ब्रेक। अब सूप रेडी, गैस को करते हैं बंद। अगर आप एग ड्रॉप सूप बनाना चाहते हैं तो हम इसमें अंडा फेंट के कैसे डालेंगे, चलिए वो भी बताती हूँ। तो एक बोल में एक अंडा क्रैक कर ले रही हूँ और इसे लाइटली मैं बीट कर लेती हूँ। इस फिटे हुए अंडे को मैं ऐड करूंगी अपने बॉइलिंग सूप में, ताकि इसमें एग की थ्रेड्स आ जाए। तो जैसे जैसे आप इसे डालते जाएं, आप अपने स्कूप को थोड़ा सा स्टर भी कर दें। तो लीजिए भाई, हो गया तैयार हमारा एग ड्रॉप वाला स्वीट कॉर्न सूप। जैसे मैंने कहा, अंडा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अंडा खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते तो मत डालिए आखिर में। हाँ, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर जरूर ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसे खट्टा नहीं करना है, बस थोड़ा सा, ताकि वो मिठास को बैलेंस कर सके। तो जस्ट अबाउट 1/2 टीस्पून इसे भी मिक्स कर दीजिए। तो तीनों हमारे सूप हो गए रेडी, मांचाओ सूप, हॉट एंड सार सूप, और एक बेहतरीन सा स्वीट कॉर्न सूप भी, चलिए प्रेजेंट कर दिया जाए ने। लेकिन इससे पहले कि सूप का मजा लिया जाए, मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये 3 सूप कितने डिलीशियस लगे आपको। तो रेडी है हमारा स्वीट कॉर्न सूप, और साथ ही साथ में मांचाओ सूप और हॉट एंड सार सूप भी। अपने स्वीट कॉर्न सूप को मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से श्रेडेड चिकन के साथ, अगेन ऑप्शनल, इसीलिए ऊपर से ऐड कर रही हूँ, और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ भी। तो लेते हैं सर्दियों में मजा गर्मा गर्म सूप का। ऐसे ही मांचाओ सूप को भी हम गर्म करके निकाल लेते हैं अपने बोल में। मांचाओ सूप को हम गार्निश करेंगे थोड़े से फ्राइड नूडल्स के साथ, और ये लीजिए मांचाओ सूप भी रेडी। अब हॉट एंड सार सूप निकाल लिया जाए। तो ये गर्मा गर्म हॉट एंड सार सूप, और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ।
अब आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी सूप पर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, एंटायरली योर चॉइस। लेकिन भाई सर्दियों में तीन गर्मा गर्म सूप्स को एंजॉय जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी।